नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेमोरी ट्रेनिंग के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। इसका सेकंड लेक्चर है ये। मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। ये जो मेमोरी ट्रेनिंग मैं दिखा रहा हूँ आपको, करा रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपने मेरे इस पूरे कोर्स को कर लिया, आपने इस मेरे पूरे सीरीज को देख लिया एक बार, तो इतना तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपके सामने कोई भी चीज टिक नहीं पाएगी। आप कोई भी चीज हो, कोई भी चीज, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, कोई भी, मतलब मैं सिर्फ ज्योग्राफी हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, आप एनीथिंग मेमोराइज कर सकते हो। आप यहाँ तक कि नंबर्स, अगर मैं इस तरह से नंबर्स लिख दूं, 18, 71, 52, इस तरह से आप 100 नंबर्स को याद कर सकते हो। नंबर्स जो कि सबसे डिफिकल्ट होते हैं याद करने, वो भी आप याद कर सकते हो। तो आप सोचिए, अगर आप नंबर्स याद करते हो तो आप नहीं, आप क्या नहीं याद कर सकते हो, ठीक है। तो आइए हम धीरे धीरे सारे यहां तक भी पहुंचेंगे। मैं आपको नंबर से बताऊंगा किस तरह से याद किए जाते हैं। 100 नंबर आप याद कर सकते हो, ठीक है, बहुत कम समय में। बट एक ही चीज मुझे चाहिए आपसे, थोड़ी सी मेहनत चाहिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस इज बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रैक्टिस इसमें सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करते हैं सारी चीजें। आपको मैं वो टेक्निक बताऊंगा, वो टेक्निक आपको सुननी है, करनी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, और इसको कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक इंसान इसको कर सकता है, जिसके पास बहुत ज्यादा माइंड है वही कर सकता है, तो इसको कोई भी कर सकता है, ठीक है, चलेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, कैलेंडर डेट्स। आज हम कैलेंडर्स के बारे में बात करेंगे कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कि 1 जनवरी 1927 को कौन सा डे होगा, या फिर ऐसा पूछ लेगा कि 1 जनवरी 1901 को अगर थर्सडे है, ट्यूसडे है, तो बताइए कि अगला कौन सा, इस डेट को कौन सा डे होगा। मतलब कि अगर पूछा कि 1 जनवरी 1901 को सपोज संडे है, तो बताओ कि 12 जनवरी 1998 को कौन सा दिन होगा। मात्र 3 से 4 सेकंड के अंदर आप ये निकाल सकते हो, 3 से 4 सेकंड, इसको 3 सेकंड 4 सेकंड इसको लगेंगे, 3-4 सेकंड इसको लगेंगे, मात्र 6-7 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जहां के बच्चे इसको बहुत ज्यादा डीपली लेते हैं और बहुत ज्यादा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको तुरंत से तुरंत बता सकता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 जनवरी 1901, तो इसका इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से। 1+ इसका कोड हो जाएगा 1+1=3, डैश डे इज थर्सडे, ठीक है, ट्यूसडे, तो ये कौन सा डे होगा, ट्यूसडे होगा, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये मैंने कैसे निकाला, यही आपको निकालना है बस। अभी मैं तो यहाँ पे लिख के बताया, ये आप माइंड में भी सॉल्व कर सकते हो, ये आप क्या कर सकते हो, माइंड में भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि 2 अगस्त 1902 पूछ लिया, ठीक है, तो डैश डे सैटरडे आ गया, सैटरडे है वहां पे, ठीक है। अभी अगर पूछ लिया कि 15 अगस्त 1904 को कौन सा डे होगा, ठीक है, तो आपको इसमें कितने सेकंड लगेंगे, सिर्फ आपको 5 सेकंड लगेंगे और आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कितने सेकंड लगेंगे, 5 सेकंड, कैसे, देखो 2 मिनट लगेगा, कोई यहाँ पे कितना 1 इसको 3+ इसको 5 कितना हो गया, 5 दिन 8 और 9 इसको हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा, तो कौन सा डे रहेगा, 2 मिनट में। अभी तो आपको नहीं कुछ समझता होगा, बट आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बहुत कम समय में आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए अब मैं आपको जो है टेक्निक बताऊंगा, ठीक है, चलिए टेक्निक सीख लेते हैं। और आज मैं अभी बता रहा हूं कि आज अगर आपने इस वीडियो को शायद दो या तीन वीडियो में इसको लूंगा, 2-3 वीडियो में आप एकदम मास्टर हो जाएंगे। आप विदाउट पेन एंड पेंसिल ऐसे खड़े रहेंगे, आपसे कोई पूछा आप 2 मिनट में बता सकते हो, ठीक है। तो जितनी चीजें मैं बोलूंगा आपको बस वो करना है। तो अब आपको ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आपको कोड क्या करने हैं, सबके सब याद करने, ठीक है, जैसे मैं बताऊं याद नहीं करने, इसको भी समझने हैं। जस्ट आपको ये समझ जाएगा तो आप इसको बना सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं,
बस इतने से आपको सारे डेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। 19th सेंचुरी का हो, 20th सेंचुरी का हो, और फिर 17, 11 कोई भी सेंचुरी का हो, तो पूरी की पूरी आप इस सीरीज से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो कि उस दिन कौन सा डे होगा, ठीक है। तो मैंने 27 तक ही लिखा हुआ है, तो आपको डाउट होता रहेगा कि 27 तक, 1927 तक ही मैंने बताया, बट आप यहाँ पे ध्यान मत दो, मैंने 27 ऐसे ही लिखा हुआ है कि आपको यहां तक अगर आपने ध्यान दे दिया तो आधे आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, 50% प्रॉब्लम क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, इसके यूनिट प्लेस पे 0, 1, 2, 3 है, ठीक है। क्या है? 0, 1, 2, 3, इसको एज इट इज लिख देंगे। इसको 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, कोड है ये, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 का 0, 1 का 1, 2, 2 और 3, 3, ये आपको बताऊंगा अभी, आप इसको ध्यान दे दीजिए फिर बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको +1 ऐड करना है, कितना +1 ऐड करना है, तो +1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको +2 ऐड करना है, तो 8 दिया तो 10 हो जाएगा, 9 दिया तो 11 हो जाएगा, 10 दिया है 12 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कितना ऐड करना है, +2 ऐड करना है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, अब यहाँ पे 12 दिया, 13, 14, 15, एक मिनट अगर हम ध्यान देंगे तो 4, 4 का बना के दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 नंबर है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर, यहाँ पे भी 4, मतलब हर एक ब्रैकेट में कितने नंबर है, 4 नंबर। इसको कैसे याद करना है मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम पहले कोड देख लेते हैं, अब इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे आपको 2 दिख रहा है, 13, 14 और 15, तो इसको आपस में माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है। तो 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, ये 3 माइनस 1 करना है, 4 माइनस 1, 5 माइनस 1, तो 4 में से 1 गया 3, 5 में से 1 गया 4, ठीक है। अब इसके भी एज इट इज लिखना है, जो भी यूनिट प्लेस पे उसको एज इट इज लिख देना है। यहाँ पे 6, 7, 8 और 9, जिस तरह से 12 वाले 12 का है जो कोड है, वही उसी का 24 का भी कोड सेम होगा, जो प्रोसेस है वो सेम होगा, ठीक है। 24, 25, 26, 27 का भी कोड क्या होगा, सेम होगा। कैसे? इसमें भी आपको 4 माइनस 2 करना है, तो 4 माइनस 2, 2 होगा, 5 माइनस 2, 3, 6 माइनस 2, 4 और 7 माइनस 2, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, आपके कोड हो गए। ये कोड और ये कोड दोनों सेम है, कैसे याद करना है बताता हूँ। पहले हम पूरे कोड को बना लेते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, 22, 23, इसका थोड़ा सा अलग होगा। इसका क्या अलग होगा, इसमें आपको 2 ऐड करना है, ठीक है। इसको ऐड करना है प्लस उसमें 2 ऐड करना है, तो 0 प्लस 2, 2 प्लस 2, यहाँ पे +2 करना है, तो +2 कर देंगे तो 4, यहाँ पे 2 प्लस 1, 3, 3 टू 5, 2 टू 4 होगा, 4 टू 6, 3 टू 5, 5 7, +2 ऐड करना है, ठीक है। तो 20 का कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 21 का 5 हो जाएगा, 22 का 6 और 23 का 7, उसी तरह से यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ का थोड़ा सा मैचिंग। अब यहाँ पे इसको याद कैसे करना है, इसको समझना कैसे है, ठीक, इसको समझेंगे कैसे। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको 4 का टेबल बना देते हैं, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, ठीक है, 4, 8, 12, 16, 20, 24, ये टेबल हो गया। तो 0, 4, अब यहाँ पे 0 भी लेना हमको, ठीक है, ना कि 4 से स्टार्ट करना, 0 से भी, क्यों, क्योंकि हमारे पास 0, 1, 2, 3 भी तो है ना। तो 0, 1, 2, 3 कितना नंबर्स हो गए, 4 नंबर्स, यहाँ पे कितने नंबर है, 4 नंबर्स, 4, 4, 4, ऐसे करके कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 नंबर्स दिए हुए, तो हमको क्या है, कैसे याद करना है, हमको याद ऐसे करना है कि 1900 का 0 होगा, उसके बाद 4 नंबर तक वो 0 ही, मतलब वो एज इट इज नंबर रहेंगे, जो भी यूनिट प्लेस पे वही नंबर्स रहेंगे। तो यहाँ पे 0 था तो 0 ही आ गया, यहाँ पे 1 था 1 आ गया, 2 था 2 आ गया, 3 था 3 आ गया, ठीक है। तो ये पहला प्रोसेस हो गया। तो हमको यहाँ पे एज इट इज लिखना है, 0 का 0, मतलब जो नंबर यूनिट प्लेस पे रहेंगे वही लिखना है। 4 वाले में क्या करना है, हमको +1 करना है, 4 वाले में क्या करना है, +1 करना है, 8 वाले में क्या करना है, +2 करना है, 12 वाले में 2 से 1 पे माइनस करना है, और उसके 4 नंबर तक वो प्रोसेस सेम रहेगा, 2 में से 1 माइनस करना है। 16 वाले में क्या करना है, यूनिट प्लेस का नंबर लिखना है। 20 वाले में क्या करना है, +2 ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, प्लस उसमें +2 ऐड करना है।
24 वाले क्या करना है, 4 माइनस 2, सेम प्रोसेस 4 माइनस 2, ठीक है। थोड़ा टाइम जाएगा इसको, एक दो बार आप लिख लेंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, तो पहले में क्या किया, एज इट इज लिख दिया। दूसरे वाले में पहले 0 का 0 हो जाएगा, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 वाले में क्या होगा, प्लस 1 ऐड करेंगे, तो 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, और 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। उसके बाद ये चार हो गए, ऊपर के चार हुए, नीचे के चार, चार से कितने तक, सात तक। फोर का टेबल आपको बनाना है, फोर का टेबल, जीरो का एज इट इज, फोर वाले में प्लस वन, एट वाले में प्लस टू, एट वाले में क्या करना है, प्लस टू करना है, तो एट प्लस टू कितना हो जाएगा, टेन। उसके बाद चार नंबर तक वही प्रोसेस सेम चलेंगे, ठीक है। फिर आप आ जाएंगे एट वाले प्रोसेस पे, एट वाले प्रोसेस पे क्या करेंगे आप, प्लस टू एड करेंगे, और फिर ट्वेल्व वाले प्रोसेस पे, ट्वेल्व और फोर्टीन, ट्वेंटी फोर, 12 दिन 24 होता है, 12 टू 24, तो दोनों को आपको प्रोसेस सेम रहेगा दोनों का। तो 12 वाले क्या करना है, यूनिट प्लेस से इसको माइनस करना है, तो 2 माइनस 1 1, 3 में से 1 का 2, 4 में से 1 3, 5 में से 1 4, ठीक है। उसी तरह से इस साइड का, इस साइड का भी प्रोसेस सेम होगा, 24 का, 25, 26, 27, तो ये चार, और 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14, 15 का भी सेम होगा। इसमें भी 4 माइनस 2 करेंगे 2, 5 माइनस 2 करेंगे 3, 6 माइनस 2 करेंगे 4, और 7 माइनस 2 करेंगे 5, तो ये दोनों सेम हो गया। इन दोनों का प्रोसेस सेम है, दोनों माइनस करना है, इसमें तो एज इट इज लिखना है, इन दोनों का भी एज इट इज है, तो 0 0 1 1 2 2 3 3, और यहाँ पे 6 7 8 9, उसी तरह से हमारा यहाँ पे भी 4 वाले में प्लस 1 करेंगे, 8 वाले में प्लस 2 करेंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस से आपको क्या करना है, ये याद करना है, और अगर ये याद हो गया तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है, ठीक है। याद नहीं करना है, समझना है इसको, समझ तो गया ही रहेगा ये, ठीक है। यहाँ पे एज इट इज लिख देना है, यहाँ पे एज इट इज, 4 वाले में प्लस 1, 8 वाले में प्लस 2। एक बार वापस से हम लोग इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, पहले वाले में क्या था, एज इट इज लिखना है, ठीक है। 0 19 सेंचुरी से 0 0 1 का यूनिट प्लेस पे 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, इसको आप 0 हटा के सीधा सीधा लिख दीजिए, इसका 0, इसका 1, 2, इसका 3, ठीक है। सेकंड वाले मैंने क्या बोला था, प्लस 1 करने के लिए, तो इसमें प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा, इसमें प्लस 1, 4 का 5, 5 का 6, 6 का 7, 7 का 8, ये सब कोड है, ये सब कोड है, इसको याद करना। आपको 19 5 दिया रहेगा तो 6 आएगा, उसका 96 दिया रहेगा तो 7 आएगा, इस तरह से, ठीक है। अब 8 आ गया, 8 वाले का प्रोसेस क्या था, प्लस 2 करना है, तो इधर 10 होगा, 12 होगा, 11 होगा, इधर क्या होगा, 12 होगा, और यहाँ पे 13, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इसको इसमें से माइनस करना तो 1 आएगा, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 1 3, इसका 4, उसी तरह से इसका भी प्रोसेस, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और यहाँ पे 5, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एज इट इज यूनिट प्लस वाला, इधर ये थोड़ा सा अलग था, इसमें क्या करना है, दोनों को ऐड करके उसमें प्लस टू अपने मन से ऐड करना है, प्लस टू कितना, प्लस टू ऐड करना है, तो टू प्लस जीरो कितना हुआ, टू, प्लस टू ऐड किया फोर, टू वन थ्री, थ्री टू फाइव, टू टू फोर, टू ऐड किया सिक्स, थ्री टू फाइव, ठीक है, टू ऐड कर देना अपने मन से। तो अब आपको ये याद हो गया रहेगा, ठीक है, समझ गया रहेगा कि किस तरह से आपको याद करना है। जैसे कि मैंने पहला बेसिक बताया था आपको, ये भी आपको दोनों माइंड में रखना है, टी और डी, दूसरे का टू को एन बोलते हैं, थ्री को एम बोलते हैं, फोर को आर बोलते हैं, फाइव को एल बोलते हैं, और सिक्स को जी और जे, सी एच और एस एच बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सेवन को के और सी बोलते हैं, एट को वी एफ बोलते हैं, और नाइन को पी और बी बोलते हैं, जीरो को जेड और एस बोलते हैं। इस तरह से आपको भी याद करके रखना है ये, ठीक है। समझाया है इसको किस तरह से करना है, उसी समय हो गया रहेगा, बट एक बार रिविजन आप कर लीजिए लिख लिख के, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला था प्रैक्टिस करने के लिए, कैसे प्रैक्टिस, जैसे कि अभी मुझे विनीत लिखना है, ठीक है, तो ना कि मैं ऐसा लिखूंगा, इसको आपको कोड में सीधा सीधा लिखना है, इस तरह से प्रैक्टिस आपको करनी है। तो अगर मुझे विनीत लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, 821, ठीक है, इस तरह से सीधा, इसको नहीं लिखना है, इस तरह से, मतलब अगर कोई वर्ड बोले तो आप उसको तुरंत नंबर में लिखें, ठीक है। जिस दिन इस तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी उस दिन आपको ये आसान हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको कोई नंबर बोले तो आप उसको वर्ड में कन्वर्ट कर लो तुरंत, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट
वर्ड टू नंबर तो आपको सीधा होना चाहिए, कोई वर्ड बोलेगा उसका तुरंत क्या करना है आपको नंबर लिख देना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया। अभी हमको क्या करना है, इसको आप लोग लिख लीजिए। अब इसके बाद आपको दो चीजें और ध्यान देनी है। पहले हमको मंथ लिखना है और फिर डेज लिखने हैं। ठीक है, ये दोनों भी लिखने हैं आपको। मंथ में आप क्या करेंगे, सारी चीजों को हिंदी में लिखेंगे और इनको इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, कैसे, सिर्फ दो को छोड़ के बताता हूं। देखो ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, मंथ के नेम लिख दिया, यहाँ पे आपको डे के नेम लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे आप संडे से लिखेंगे, संडे से सैटरडे, ना कि मंडे से संडे। ठीक है, तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अब इसमें क्या है, इसको तो सीधा सीधा आपको लिख लेना है, इसको वन दे देना है, इसको टू, इसको थ्री, इसको फोर, फाइव, सिक्स, और इसको थोड़ा सा ये स्पेशल है, इसको जीरो और सेवन देना है। जीरो और सेवन मतलब अगर जीरो आया तुम्हारा जो आंसर होगा, अगर जीरो आया तो सैटरडे होगा, और सेवन आया तो भी सैटरडे होगा। फ्राइडे सिक्स पे होगा, थर्सडे फाइव पे, वेडनेसडे फोर पे, ट्यूसडे थर्ड पे, मंडे टू पे, संडे वन पे। अब ये आपको कैसे बैठ होगा, जब तक जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उससे ज्यादा ये आपको दिमाग पे बैठते चले जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल था, वन टू थ्री फोर आपको सीधा सीधा लिखना है मंथ में, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ कि जीरो भी इसके साथ में आएगा। अब इसको कैसे याद करना है, ये थोड़ा सा स्पेशल है। ठीक है, और मैंने आपको दो चीजें मतलब माइंड में सेटअप करने बोला था कि हमको कॉमेडी इमेज बनानी है और फनी रिलेट करना है। ये दोनों चीजें हमको हमारे माइंड में हमेशा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम चीजें पढ़ नहीं रहे, हम चीजों को समझ रहे हैं, और समझने के साथ साथ हम उसको क्या कर रहे हैं, कॉमेडी इमेज बना के फनी रिलेट कर रहे हैं। कॉमेडी इमेज मतलब क्या, कि जो चीजें हमको कॉमेडी जैसी दिखती है हमको जल्दी से याद होती है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम क्या करते हैं, अभी जो नंबर्स मैं लिखूंगा, अभी जो मैंने नंबर्स लिखा है या मैं लिखूंगा आगे, तो अगर हम उसको कॉमेडी इमेज बना देंगे और उसको फनी रिलेट करा देंगे उसी के क्वेश्चन से, उसी के साथ जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, अगर उसको हम फनी रिलेट करा देंगे, जैसे कोई लड़का अगर कभी कुछ ऐसा करता है जो कॉमेडी लाइक होता है, तो आप उसको देखते हैं तो आपको तुरंत याद आता है कि इसने ये ऐसा किया था। तो उसी तरह से यहाँ पे भी इन्हीं से रिलेट करा के हम इनका फनी इमेज बना के इनको फनी रिलेट करा देंगे किसी भी नंबर से, तो वो क्या हो जाएगा, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। जब भी आप वो चीज देखोगे तो आपको वही चीज याद आएगी कि ऐसा मैंने इसको पढ़ा था। ठीक है, देखो कैसे आएगा यार। जनवरी का कोड होता है वन, ठीक है, क्या होता है वन, फेब का फोर होता है, मार्च का फोर, अप्रैल का जीरो, मई का टू, फाइव जीरो, थ्री सिक्स सिक्स, इसका वन, इसका फोर। ठीक है, तो ये कोड है, ये कोड मुझे याद नहीं है, अभी मुझे अगर सीधा सीधा कोड लिखने बोल दिया जाए तो मुझे भी ये कोड याद नहीं है, बट मैंने इसको क्या किया, फनी रिलेट करा के इसको कॉमेडी में करा के फनी रिलेट किया हुआ है। कैसे, अभी यहाँ पे जनवरी का मैंने वन लिखा, तो जब मैं ये सब देखता हूँ अप्रैल, मार्च, फरवरी, मई, जून, तो मुझे वही चीज याद आती है कि मैंने इसको किस तरह से याद किया था, और वो तुरंत मेरे माइंड में नंबर्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे वन फोर फोर जीरो टू फोर फाइव जीरो थ्री सिक्स वन फोर सिक्स, अगर ऐसे याद करने जाएंगे तो मेरे ख्याल से तो एक दो घंटे तो आराम से लग जाएंगे, और उसके बाद वो चीजें याद नहीं रहेंगे।
ठीक है। लेकिन अगर हम इसको, मुझे ये सीरीज में याद भी नहीं है, आपको लगा रहेगा जैसे मैंने लिखा आपको लगा रहेगा कि मैंने ऐसा याद किया 1440250361 46, इस तरह से कभी नहीं याद हो सकता है। इसको आप क्या करें, फनी कॉमेडी इमेज बनाइए जिससे जो तुम्हारा नंबर है उसी के साथ में उसको रिलेट कर दो उसे, ठीक है। कैसे देखो, अब जैसे जनवरी का कोड 1 है, तो जनवरी जो होता है वो मंथ का पहला होता है, स्टार्टिंग होता है, ठीक है। तो आप सीधा सीधा बता सकते हो कि जनवरी जो पहला आता है इसलिए उसको क्या देंगे, नंबर पहले देंगे, ठीक है। और जो भी चीजें मैं बोलता हूँ उसको सोचेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, जो भी चीजें मैं इमेज बताऊंगा उस इमेज को सोचो आप वैसे कर रहे हो, तो उससे क्या होगा वो आराम से आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो जनवरी क्या होता है, फर्स्ट मंथ होता है, तो इस टाइम इसको पहला नंबर दे दिए। अब फरवरी, आपको पता है फरवरी में 28 और 29 दिन दोनों होते हैं, तो 28 दिन हमेशा होता है, 29 दिन कब होता है, जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं, जब फरवरी में क्या होता है 29 दिन होते हैं तो हम उसको लीप ईयर बोलते हैं। ये कब आता है, हर 4 साल के बाद आता है, कितने साल के बाद आता है, हर 4 साल के बाद फरवरी में कितने दिन होते हैं 29, तो फरवरी जब भी देखोगे तो आपको याद आएगा 29 कितने साल के बाद आता है, 4 साल के बाद, तो इसका कोड कितना हुआ 4 हो गया ना, इसका कोड कितना हुआ 4, फरवरी का कोड कितना 4, क्यों, क्योंकि फरवरी में 29 दिन कब आते हैं, 4 साल के बाद, तो यहाँ पे कितना आ गया 4। अब मार्च, मार्च में क्या है, देखो मार्च में खासियत ये है कि मैंने इसको हिंदी में क्यों लिखने बोला और ये दोनों इंग्लिश में क्यों लिखने बोला, अक्टूबर नवंबर को इंग्लिश में लिखा है, बाकी सबको हिंदी में, क्यों, क्योंकि हमको याद करना है, इसको समझना है। तो अब ये मार्च कितने अंक से बना हुआ, देखो एक कितने वर्ष से बना हुआ है, मार्च इस तरह से, मार्च कितने नंबर से बना हुआ है, 1 2 3 4, कितने, मार्च को कट करेंगे तो 1 2 3 4, तो कितने पे आया 4 पे, ठीक है 4 से हो गया। अप्रैल, अभी क्या है अप्रैल, अप्रैल का कैसे होगा, देखो मार्च का हो गया, मार्च को किसे 4 वर्ड से बना हुआ है 1 2 3 4, तो इसको इसका कितना आ गया 4 आ गया अप्रैल। अगर अप्रैल को ध्यान से अगर आप देखोगे तो अप्रैल का अगर मैं ये ऊपर का जो मात्रा है इसको हटा दिया और ये हटा दिया, तो अब ये क्या लग रहा है एप्पल, ठीक है एप्पल लग रहा है, तो अभी एप्पल कैसा होता है गोला होता है, तो यहाँ पे कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब कभी भी आप अगर अप्रैल को देखोगे तो आप तुरंत ये मात्रा हटा के एप्पल बना दोगे, तो एप्पल मतलब एप्पल समझ लो, ठीक है। तो एप्पल कैसा दिखता है, 0 दिखता है, जो सर्कल में दिखता है, तो उसको क्या लिखेंगे 0, ठीक है आगे। अब यहाँ पे मई है, अब देखो इस, अब आपको ये सारी चीज याद रहना है, ये जरूर याद रहेगा, क्यों, देखो मई है ना, तो मई हिंदी में आपने सुना होगा कि जो मम्मी होती है, जो मॉम्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, माई बोलते हैं हिंदी में, ठीक है भोजपुरी में, आपको याद रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मई को क्या बना दिया गया, मई, मैंने आपको बोला था कॉमेडी इमेज हमको बनानी है, अभी तो ये पहला कॉमेडी है, इसके बाद भी बहुत सारे कॉमेडीज इसमें बने हुए हैं जिसको सुन के आपको हंसने को आएगा, ठीक है, क्यों, अगर हंसने को आया समझ लो वो चीजें आपको याद रहेंगी। अब मैंने यहाँ पे मई को माई बना दिया, तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। कितनी माई होती है, एक होती है, लेकिन शादी के बाद कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है, ठीक है 2 हो जाती है ना, हाँ, तो कितनी हो गई 2, कभी शादी के बाद और शादी से पहले 1 और शादी के बाद 1, तो 2 हो गई, तो कितनी हो गई 2, तो मई से माई कितनी 2, तो 2 इसका कोड कितना हो जाएगा 2। आगे चलते हैं, जून दिया हुआ है, जून का, जून से आप जू हटा लो, यहाँ से जू, अगर आपके सर में बहुत सारा जू हो गया, ठीक है, तो आप उसको खुजाने के लिए क्या करोगे, 5 फिंगर्स पूरा यूज करते हो, ऐसे 5 फिंगर्स क्या करेंगे आप, 5 उंगली का यूज करोगे, ठीक है। तो आपके सर में जू हुआ तो आप कितने उंगली का यूज करोगे, 5 फिंगर्स से, तो जू, जून में सर में जू हुआ, कितने उंगली का यूज किया गया, 5 फिंगर्स यूज किया गया, ऐसा ना, 5 फिंगर्स यूज किया, तो कितना आ गया यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। जुलाई, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जितना आपको डिफिकल्ट लग रहा है ये इतना डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है, आप सोच रहे हो इतना तो इससे अच्छा तो मैं डायरेक्ट याद कर लूं, बट वो याद नहीं रहेगा, बट जो चीजें मैं बता रहा हूँ कि 2 सेकंड के अंदर देखना, ये जैसे खत्म होगा आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है, अगर आपने सही से इमेज किया होगा तो। तो जून का हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई, तो जुलाई से आप याद रखिए कि जूली नाम की एक लड़की है, ठीक है, जूली नाम की एक लड़की है जो पढ़ने में तो दिखने में तो बहुत सुंदर है, बट पढ़ने में एकदम 0 है, क्या है, पढ़ने में 0, दिखने में सुंदर है बट पढ़ने में क्या है 0 है, तो जूली, जुलाई, जूली नाम की लड़की जो दिखने में सुंदर बट पढ़ने में क्या है 0 है, तो यहाँ पे कितना आ गया कोड 0 आ गया। अगस्त, अगस्त से आपको तुरंत याद आना चाहिए क्या, फ्लैग याद आना चाहिए, क्या याद आना चाहिए, फ्लैग, अगस्त, अगस्त में ही क्या मनाया जाता है, तिरंगा ना, 15 अगस्त को हम आजादी मनाते हैं, तो आप रोड पे जा रहे थे और अगस्त का ही महीना चल रहा था, तो आपने देखा कि वहां पे फ्लैग गिरा हुआ था,
क्या फ्लैग जिसपे लिखा था अगस्त, तो अगस्त में हम क्या करते हैं फ्लैग लहराते हैं। तो अगस्त और फ्लैग में कितने रंग होते हैं, तीन रंग होते हैं। कितने कलर होते हैं उसमें, तीन कलर होते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया, तीन आ गया। सितंबर और दिसंबर देखो दोनों साथ में लिखा हुआ है, सितंबर और दिसंबर, दिसंबर और सितंबर में कितने छे छे का छे छे नंबर है ना, सिक्स सिक्स। तो यहाँ पे कितने नंबर से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कितनी मात्रा है, एक मात्रा, दो तीन चार पांच छह वर्ड है ना, सिक्स वर्ड है। तो सितंबर का सिक्स और दिसंबर का सिक्स, ये तो ऐसे याद हो गया रहेगा मेरे ख्याल से कि सितंबर और दिसंबर दोनों सेम सेम है, क्योंकि दोनों में कितने वर्ड है, सिक्स सिक्स वर्ड है। ठीक है, तो सितंबर और दिसंबर में सिक्स सिक्स। अब अक्टूबर को मैंने इंग्लिश में लिखा था, क्यों देखो अक्टूबर था हमारा, अक्टूबर अक्टूबर स्टार्ट होता है जीरो से, और जीरो से तो वन भी स्टार्ट होता है ना, ओ से, सॉरी ओ से स्टार्ट होता है ना अक्टूबर, ओ से स्टार्ट होता है, तो ओ से वन भी स्टार्ट होता है, तो वन को वन लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, अक्टूबर का पहला वर्ड ओ से स्टार्ट होता है, ओ से तो वन भी स्टार्ट होता है, तो वन से वन लिख देंगे, तो अक्टूबर का कितना हो जाएगा वन। अब अक्टूबर का ये वो देखेंगे तो आपको तुरंत याद आएगा इसका कोड कितना है, वन। नवंबर का कितना है, नवंबर, नवंबर को ऐसा लिखते हैं। तो अगर आप ये एन ध्यान दोगे तो इसको ऐसा लिखा जाता है, अगर इसको मैं बीच में से ऐसा अलग कर दूं तो ये रोमन वाला फोर हो जाता है ना। एन ऐसा लिखा, एन को बीच में से ऐसा निकाल दिया तो ये रोमन वाला फोर हो गया, तो एन मतलब फोर, ये एन लिखा फोर, तो कितना हो गया फोर, याद हो गया आपको ये सारी चीजें। ठीक है, बस अब इसके बाद कोई चीज आपको समझनी नहीं है, इतनी अगर चीज अगर आपको आ गई तो आप समझिए कि आपको आप सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, कैलेंडर की प्रॉब्लम्स को तीन से चार सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कितने सेकंड के अंदर, तीन से चार सेकंड के अंदर आप कैलेंडर को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीजें अगर मैंने आपको दे दी, ठीक है, जनवरी फरवरी तक यहाँ तक दे दिया, अब आप इसको दो मिनट में लिख सकते हो। देखो प्रैक्टिस कर लेते हैं, मैंने क्या बताया जनवरी का, क्या बताया फर्स्ट मंथ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक आएगा। फरवरी में क्या बताया, हर चार साल के बाद कितने डे आते हैं, उसमें 29, तो कितना आएगा 4। मार्च में क्या बताया, मार्च में कितना वर्ड होते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 4। अप्रैल, अप्रैल मतलब एप्पल, तो एप्पल कैसे दिखता है, 0। मई, तो आपको मई से मैंने मई बताया, तो कितना आया 2। जून, जून से जू, जू हुआ तो कितना 5 fingers। जुलाई, जुलाई क्या है, जूली, जूली क्या है, यहाँ पे 0 ना, दिखने में तो सुंदर बट पढ़ने में क्या है, 0 है। अगस्त, अगस्त याद है आपको तिरंगा, तिरंगे में कितने कलर होते हैं, 3। सितंबर 6 वर्ड से बना हुआ है, दिसंबर भी 6 वर्ड से बना हुआ है ना। अक्टूबर, अक्टूबर में पहला ओ, ओ से 1 भी आता है, तो 1। नवंबर, नवंबर को ऐसा लिखते हैं, नवंबर को ये एन 4 जैसा दिखता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, रोमन का 4, सिंपल। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, एक से दो बार ही लिखना है आपको, दो से तीन बार, ऐसे ये मत लिखिए, डायरेक्ट नंबर्स लिखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए कि जनवरी 1 हो गया, फरवरी का क्या 4 आ जाएगा, इस तरह से आप इसको लिखिए। ठीक है, तो ये हो गए बेसिक्स। अब हम थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए। देखो अभी आप कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, देखो 2 जनवरी 1904 दिया हुआ है, ठीक है 4, इसको बताओ कौन सा डेट है इस समय, अगस्त ले लेते हैं, ठीक है अगस्त, 2 अगस्त 1904 कौन सा डे था, देखो दो कितने सेकंड के अंदर निकलता है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अगस्त का कितना था 3, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बोला था 04, यहाँ पे कोड कितना है 4, तो 4 आया, तो 4 का कोड कितना होता है 1 ऐड करना था ना, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 में 1 ऐड करना, तो कितना 5, तो इनको ऐड कर देना 5 2 7, 7 प्लस 3। अब देखो यहाँ पे अगर 7 से 7 आता है तो हमको डे क्या निकलना है, 7 ही है, तो उसको 7 से डिवाइड कर सकते हो, तो 5 2 7, 7 से डिवाइड कर दे, रिमाइंडर इज 0, कितना बचा 3, तो 3 पे क्या है ट्यूसडे है। ठीक है, या तो आप इसको पूरा ऐड भी कर सकते हो, ठीक है 5 2 7, ये कितना हो गया 10, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे 3, रिमाइंडर कितना बचा 3, तो 3 पे क्या है ट्यूसडे है। ठीक है, एकदम सिंपल है, आप इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो विदाउट पेन एंड पेंसिल आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, अब अगर जैसे मैंने 12 दे दिया, ठीक है, तो 12 यहाँ पे 12 हो गया, ये प्लस 3 हो गया, यहाँ पे अगर मैंने सपोज 6 दे दिया, ठीक है, तो 6 का कोड क्या होता है 4 5 6, तो 4 के रेंज में ही है ना 4 5 6, तो अभी 8 पे नहीं गया, आपको कैसे याद करना है 0 4 8, 8 के नीचे गया तो प्लस 2 ऐड करना है, 4 पे 4 के नीचे आया तो प्लस 1 ऐड करना है, अगर 12 पे गया तो माइनस करना है दूसरे में से, और 16 पे गया तो एज इट इज लिख देना है, और फिर 18 पे गया तो उसमें दोनों को ऐड करके सेपरेटली लिखना है, 20 पे गया तो ठीक है, और फिर 24 पे गया तो माइनस, तो अभी यहाँ पे क्या 6, तो 6 4 वाले में तो प्लस 1 ऐड करेंगे 6 और 7 हो जाएगा,
सेवन को क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, क्यों, क्योंकि सेवन से डिवाइड हो गया, सेवन पता है कितना, 12 + 3 कितना 15, तो 15 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 बचेगा, तो रिमाइंडर 1 पे करके संडे, तो इस दिन क्या होगा, संडे होगा। कितना सेकंड लगा रहेगा, अभी तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ बट माइंड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है, 2 सेकंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर अभी आपके माइंड में ये सवाल आता रहेगा कि अगस्त 1958 कैसे निकालेंगे या 68 कैसे निकालेंगे, 98 कैसे निकालेंगे, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है, ये वीडियो लंबा होते चले जा रहा है तो मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट अभी हम कितना, जो भी 27 तक है उसको आप निकाल सकते हो, जैसे 24 दे दिया तो 24 3 अगस्त 1924 तो यहाँ पे 3 हो गया, अगस्त का कोड 3 है, अब 24 दिया, 24 का मैंने क्या बताया था माइनस करना है, 4 में से 2 गया 2, ठीक है, तो कितना हो गया 6 7 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, डिवाइड हो रहा है 7 से, तो कितना बचेगा रिमाइंडर 1, 1 को क्या है संडे है, तो यहाँ पे संडे आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो कितना सिंपल है, पात्र कितना 3 से 4 सेकंड, 4 से 5 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लिख के भी सॉल्व करोगे तो 6 7 सेकंड बस, इससे ज्यादा टाइम ही लेने वाला नहीं है, ठीक है। अब इसमें से आप कोई भी कितने भी ईयर का कैलेंडर निकाल सकते हो, जो भी चीजें मैंने इसमें बता दी है, ठीक है, मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसके आगे 1927 के आगे कैसे निकालते हैं, 16 17, इसके बाद आप कोई भी कोड आपको मेमोराइज नहीं करनी है, जो भी मैंने चीजें बताई इससे ही आप आगे का सॉल्व कर सकते हो, कोई भी ईयर का कैलेंडर है तो आप विदाउट पेन एंड पेंसिल इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, आप प्रैक्टिस करते रहिए 27 तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।